हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल इन दिस वीडियो वी विल सी व्हाट इज़ फर्मी लेवल फर्मी एनर्जी एंड फर्मी फंक्शन तो फर्मी लेवल जानने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं तो so, पहला है फर्म्योन्स सो व्हाट आर फर्म्योन्स सो फर्म्योन्स आर द पार्टिकल्स हैविंग हाफ इंटीग्रल स्पिन मतलब जिन पार्टिकल का स्पिन हाफ होगा हम उसे फर्म्योन्स कहेंगे और उसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है उसका स्पिन हाफ होता है तो स्पिन मतलब क्या होता है नहीं? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा रोटेट होते रहते हैं तो उन तो अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओरिएंट हो रहे हैं तो उनका स्पिन पॉजिटिव होगा और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओरिएंट हो रहे हैं तो उनका स्पिन नेगेटिव होगा सो दिस इज़ फॉर ऑन्स पार्टिकल्स हैविंग हाफ इंटीग्रल स्पिन एंड एग्जाम्पल इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन नाउ वी विल सी वट इज़ पावलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सो इट स्टेट्स डैट इन एन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स मतलब किसी भी आइटम में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे मतलब क्वांटम नंबर मतलब उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यन और मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर यस तो ये जो सेट है क्वांटम नंबर्स का वो किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स का सेम नहीं होगा सो लेट्स कंसिडर फॉर यन इज इक्वल टू वन वी हैव स्पिन प्लस हाफ और माइनस हाफ तो फॉर ये इज इक्वल टू वन वी कैन हैव ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स इन यनी इज इक्वल टू वन मतलब पहला शेल जो है उनमें हम सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं तो वी कैन फिल दिस इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस सो दिस इलेक्ट्रॉन इज हैविंग प्लस हाफ स्पिन स्पिन अप स्पिन अप एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज हैविंग माइनस हाफ स्पिन एंड मीन्स स्पिन डाउन मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है उनका क्वांटम नंबर का सेट जो है वो सेम नहीं है सो दिस इज दी पावलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विच स्टेज दैट इन एन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स मतलब नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल देयर क्वांटम नंबर्स आइडेंटिकल एंड दिस अप्लाइज टू इलेक्ट्रॉन्स इन एटम मॉलिक्यूल एंड सॉलिड्स तो अब हम देखेंगे फर्मी लेवल तो फर्मी लेवल देखने से पहले हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं फ्लोरीन का तो फ्लोरीन जो है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर नाइन होता है मतलब उसमें नाइन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड वी कैन फिल दिस नाइन इलेक्ट्रॉन्स एज़ वी कैन हम उसके नाइन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसकी एनर्जी के हिसाब से उन इन सेल्स में फिल करेंगे सो वी कैन फिल दिस नाइन इलेक्ट्रॉन्स हैज़ दिस इज़ वन टू स्टेट दिस इज़ टू पी एंड दिस इज़ थ्री सो वी कैन फिल दिस इलेक्ट्रॉन्स हेज़ लाइक दिस सो वी हैव वन टू थ्री फोर एंड फाइव इनर्जी स्टेट्स मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अगर हम डाइग्राम में देखें तो इसके फर्स्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सेकेंड सेल में छः इलेक्ट्रॉन्स होंगे थ्री फोर फाइव एंड सिक्स एंड इन द लास्ट सेल वी हैव ओनली वन अनपेड इलेक्ट्रॉन ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेड है एंड बोथ दिस इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड सो दिस इज़ ओनली वन अनपेड इलेक्ट्रॉन इन दिस फ्लोरिन एटम एंड और उसके बाकी के भी सेल्स हैं मतलब ये जो सेल्स है वो एम टी सेल्स है उनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है लेकिन अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर उसने कुछ एनर्जी गेन कर ली तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस सेल से इस सेल में ट्रांसफर हो जाएगा मतलब अगर ये दो सेल खाली भी है लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी गेन करेगा सो देन इट कैन ट्रांसफर टू दिस बोथ सेल्स और इट कैन ट्रांसफर टू अनदर सेल ऑल्सो सो इन फ्लोरिन एटम उस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के हिसाब से हम उसे इस एनर्जी लेवल में फिल कर रहे हैं सो वी फाइंड दैट इफ़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेटेड इज नाइन ओनली फाइव एनर्जी लेवल्स आर ऑक्युपाइड मतलब ये ये जो लेवल्स है दिस आर ओनली फाइव एनर्जी लेवल्स वी रिक्वायर टू तो फिल दिस बोथ फिल दिस नाइन इलेक्ट्रॉन्स मतलब इन फ्लोरिन आइटम कंसिडर फॉर एन इज इक्वल टू वन एन इज इक्वल टू टू एंड एन इज इक्वल टू थ्री सो इन एन इज इक्वल टू वन वी हैव ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन इज इक्वल टू टू वी हैव से सिक्स इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर एन इज इक्वल टू थ्री वी हैव वन इलेक्ट्रॉन सो ये जो सेल है वो ऑक्युपाइड सेल है मतलब वी हैव वी कैन से दिस इज एक्यूपाइड स्टेट एंड ये जो सेल से ये जो एनर्जी लेवल से इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन अगर यह इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस सेल इस एनर्जी लेवल में भी जा सकता है अगर उसे उसने कोई एनर्जी गेन कर ली तो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है मतलब दिस एनर्जी लेवल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फील्ड दिस लेवल्स कैन वी कैन कॉल दिस लेवल्स एज नंबर ऑफ स्टेट्स मतलब जिन स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन एनर्जी गेन करने के बाद वो उस सेल में पास हो सकता है तो उसको हम कहेंगे नंबर ऑफ स्टेट्स एंड दिस फील्ड एनर्जी लेवल्स दिस फील्ड एनर्जी लेवल्स विल कॉल इट एज अक्यूपाइड स्टेट सो दिस इज नंबर ऑफ स्टेट एंड दिस इज ऑक्यूपाइड स्टेट फॉर दिस फ्लोरिन आइटम तो मान लो किसी भी मेटल में दिस आर दी एनर्जी लेवल्स सो किसी भी मेटल में अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं और यहाँ तक ही इन इलेक्ट्रॉन्स जो है वहाँ पे फिल हो रहे हैं मतलब दिस एनर्जी लेवल तक ही हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं और उसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में नहीं है तो ये जो एनर्जी लेवल है जहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है तो सो दिस टॉप मोस्ट लेवल वी कॉल इट एज अ फर्मी लेवल मतलब टॉप मोस्ट फील्ड एनर्जी लेवल एट एप्सोलूट जीरो टेम्परेचर मतलब ये जो कंडीशन है वो एट एप्सोलूट ज़ीरो टेम्परेचर मतलब एट जीरो डिग्री केल्विन पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि जिस एनर्जी लेवल तक हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं उसको हम कहेंगे फर्मी लेवल एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस लेवल इज कॉल्ड एज फर्मी एनर्जी मतलब इस लेवल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको कोई ना कोई तो काइनेटिक एनर्जी रहेगी तो उस एनर्जी को उस एनर्जी को हम कहेंगे फर्मी एनर्जी सो दिस इज द फर्मी लेवल एंड दिस इज द फर्मी एनर्जी एट एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर सो वी कैन डिफाइन फर्मी लेवल एज द टॉप मोस्ट फील्ड एनर्जी लेवल एट एप्सोलूट जीरो टेम्परेचर इज नोन एज फर्मी लेवल एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस लेवल इज कॉल्ड एज फर्मी एनर्जी मतलब ये जो सेल है ये जो एनर्जी लेवल से उसमें दिस टॉप मोस्ट लेवल जहाँ तक कि हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं दिस लेवल इज फर्मी लेवल एंड एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट इज़ कॉल्ड एज अ फर्मी एनर्जी सो दिस फर्मी लेवल डिवाइड्स द फील्ड लेवल्स फील्ड एनर्जी लेवल्स एंड एम टी एनर्जी लेवल्स एट जीरो डिग्री केलविन मतलब ये फर्मी लेवल जो है वो फील्ड एंड एम टी लेवल्स को डिवाइड करती है एट जीरो डिग्री केलविन तो ये जो एनर्जी है एट फर्मी लेवल मीन्स फर्मी एनर्जी को हम लेट्स कंसिडर इट इज एज ई एफ लेट डिनोट दिस फर्मी एनर्जी एज ई एफ सो नाउ वी विल डिस्कस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द ऑक्यूपेंसी ऑफ एनर्जी लेवल्स सो वैन द टेम्परेचर इज ग्रेटर दैन एब्सोलुट जीरो मीन्स इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर दैन जीरो कैलविन देन द इलेक्ट्रॉन्स इन द टॉप मोस्ट फील्ड एनर्जी लेवल मे गेन एनर्जी एंड गेट एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी लेवल मतलब अगर टेम्परेचर जीरो डिग्री से ज़्यादा होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है दिस इलेक्ट्रॉन्स मे गेट गेन एनर्जी मतलब दिस इलेक्ट्रॉन्स कैन गेट एनर्जी एट टी ग्रेटर देन दैन देन दिस विल गेट एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल सो एट दिस टेम्परेचर सो सम ऑफ द एनर्जी लेवल्स बिलो ई एफ आर एम टी एंड अबो ई एफ विल बी ऑक्यूपाइड मतलब अगर इस एनर्जी लेवल से कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया और दिस विल पास टू दिस एनर्जी स्टेट देन दिस energy level may be empty at temperature greater than 0 so this may happen if temperature is greater than 0 so now we will see what is a fermi function so fermi function kya hai so it gives f of e. so fermi function f of e it gives the probability that a particular state of energy is is occupied at temperature t मतलब एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टी द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्टिकुलर स्टेट ऑफ एनर्जी ई इज़ ऑक्यूपाइड मतलब एट अ टेम्परेचर टी इस ये ये जो एनर्जी लेवल है इसमें इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो वो है फर्मी फंक्शन सो एफ ऑफ ई रिप्रेजेंट दिस प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल और उसका फॉर्मूला जो है वो है एफ ऑफ ई इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ ई माइनस ई एफ अपॉन के बी टी सो हियर एफ ऑफ ई इज अ फर्मी फंक्शन ई इज़ अ एनर्जी ऑफ लेवल्स हुज ऑक्युपेंसी इज कंसिडर मतलब हम जिस एनर्जी लेवल का एनर्जी देख रहे हैं वो है दिस ई एंड ई एफ इज फर्मी एनर्जी एंड के बी इज़ बोर्डसमन कॉन्स्टेंट एंड टी इज एट जीरो डिग्री कैलवीन सो टी हमेशा जीरो रहेगा फॉर फर्मी फंक्शन सो एट जीरो डिग्री केलविन दिस इज दी फर्मी लेवल और ये जो फर्मी लेवल है उसके आगे का शेल है ये इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो द प्रोबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ इलेक्ट्रॉन इन दिस एनर्जी लेवल इज ज़ीरो सो वी विल प्रू दिस बाय दिस फॉर्मूला ऑफ फर्मी फंक्शन सो वी हैव द फॉर्मूला ई एफ ऑफ ई इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्सपोनिशियल ऑफ ई माइनस ई एफ अपॉन के बी टी सो वी हैव दिस फार्मूला सो वी विल प्रू दैट एट टी इज इक्वल टू जीरो एंड इफ एनर्जी सो ये जो एनर्जी है सो so ये जो लेवल है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी एंड एज वी गो अपवर्ड्स द एनर्जी इज गेटिंग इंक्रीज मीन्स दिस एनर्जी लेवल हैज़ ग्रेटर एनर्जी दैन दिस दिस विल हैव ग्रेटर एनर्जी दैन दिस तो ये जो एनर्जी है इस एनर्जी लेवल की एनर्जी इससे ज़्यादा होगी मतलब ये ई एफ जो है ये इसकी एनर्जी इस वाले से कम होगी फर्मी लेवल की सो वी कंसिडर दिस केस सो वी विल हैव ई ग्रेटर देन ई एफ सो ये जो वैल्यू है ई माइनस ई एफ अगर ई ई एफ से बड़ा है तो दिस टर्म विल बी पॉजिटिव एंड एट ज़ीरो डिग्री कैलविन टी इज जीरो सो वी विल गेट वन अपॉन वन प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ़ ये प्लस होगा और ये ज़ीरो तो वन अपॉन ज़ीरो इज इन्फिनिटी तो ये जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वन अपॉन वन प्लस ई एक्सपोनेंशियल ऑफ इन्फिनीटी मीन्स ई रेस्ट टू इन्फिनिटी सो दिस विल बी वन अपॉन वन प्लस अभी किसी भी टर्म का हम रेस्ट टू इन्फिनिटी ले लें ये इन्फिनिटी ही होगा किसी भी टर्म का इन्फिनिटी होगा तो दिस विल भी इन्फिटी और इन्फिनीटी में हम कोई भी टर्म ऐड कर ले तो वो भी इन्फिनिटी होगी तो वन अपॉन इन्फिनिटी सो इट विल बी ज़ीरो मीन्स वी हैव प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो मतलब उस एनर्जी सेल में मतलब दिस एनर्जी सेल में इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी जीरो है किस टेम्परेचर पे एट जीरो डिग्री केल्विन, दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस लेवल इज ऑलमोस्ट जीरो तो दिस इज ए फर्मी लेवल एंड इसके नीचे का जो लेवल है एनर्जी लेवल है उसमें इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस ऑलमोस्ट वन ही है तो अब इस हम इसकी भी प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ फर्मी फंक्शन सो वी हैव फार्मूला एफ ऑफ ई इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्सपोनशियल ऑफ ई माइनस ई एफ अपॉन के बी टी सो वी हैव दिस फार्मूला एंड वी विल चेक प्रोबेबिलिटी बाय दिस यूजिंग दिस फार्मूला तो अब हम देखेंगे कि ये जो एनर्जी है उसकी एनर्जी और उसकी एनर्जी को हम अगर कंपेयर करेंगे तो इसकी एनर्जी जो है वो कम ही होगी सो वी विल हैव ई लेस देन ई एफ मतलब ई माइनस ई एफ जो है वो निगेटिव में आएगा ये जो टर्म है दिस विल बी निगेटिव बिकॉज दिस इज लेस देन अगर किसी छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या को सब्सट्रैक करेंगे तो वी विल गेट minus term so this term will be minus so we have in this formula 1 upon 1 plus exponential of so this is 0 so we have 0 1 upon 0 infinity so we will have minus infinity and we can also write this as 1 upon 1 plus e raise to minus infinity so it will be 1 upon 1 plus e raised to minus infinity Agar ए रेस टू माइनस एक्स है तो इसे हम वन अपॉन ए रेस टू एक्स ऐसा लिख ऐसा लिख सकते हैं तो दिस विल बी ई रेस टू इन्फिनिटी वन अपॉन ई रेस टू इन्फिटी सो दिस विल बी वन अपॉन वन प्लस अब वन अपॉन ई रेस टू इन्फिनिटी इज़ इंफिनिटी सो वन अपॉन इन्फिनिटी सो वन अपॉन वन प्लस इन्फिनिटी इज़ जीरो सो वी हैव वन अपॉन वन

एट अ टेम्परेचर ग्रेटर देन जीरो डिग्री केलविन द फर्मी लेवल कैन बी डिफाइन एज अ लेवल वेर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्युपेशन इज हाफ मतलब इफ़ ये फी इज़ इक्वल टू मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है वो जहाँ पे हाफ होगी ये जो प्रोबेबिलिटी है सो द एनर्जी लेवल फॉर विच दिस प्रोबेबिलिटी इज हाफ़ सो वी कैन कंसिडर दिस लेवल एज अ फर्मी लेवल मीन्स द पोजिशन ऑफ फर्मी लेवल एट अ टेम्परेचर ग्रेटर दैन जीरो डिग्री केलविन इज नॉट फिक्स्ड बट चेंजेस विट टेम्परेचर सो अप टू नाउ वी हैव सीन वट इज़ फर्म्योन्स सो फर्म्योन्स आर द पार्टिकल्स हैविंग हाफ इंटीग्रल स्पिन एंड एग्जाम्पल इज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटोन्स जिन पार्टिकल का स्पिन हाफ होगा उसे हम फर्म्योन्स कहेंगे एग्जाम्पल इज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटोन्स अगर स्पिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो उसका स्पिन माइनस होगा और अगर वो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन हो रहा है तो उसका स्पिन पॉजिटिव होगा then we have seen what is pauli's exclusion principle it states that in an atom no two electrons can have same set of quantum numbers matlab kisi bhi do electrons ka quantum number same nahi honke. for n is equal to 1 we have two electrons and this electron is having spin of quantum state and this is having spin down quantum state means according to this principle no two electrons can have same set of quantum numbers

मीन्स इस लेवल के इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है उसे हम कहेंगे फर्मी एनर्जी और हमने देखा जिस लेवल तक जिस लेवल्स में जिस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं उसे हम कहेंगे ऑक्यूपाइड स्टेट उसको ऑक्यूपेंसी भी कहा जाता है मीन्स ऑक्यूपेंसी जिस एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल है और जिस एनर्जी लेवल मतलब ये जो एनर्जी लेवल से ये जो खाली है और उनमें इलेक्ट्रॉन फिल किया जा सकता है उसको हम कहेंगे नंबर ऑफ स्टेट्स ये है नंबर ऑफ स्टेट्स उसके बाद हमने देखा व्हाट इज़ फर्मी फंक्शन सो फर्मी फंक्शन एफ ऑफ ई गिव्स द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ एनर्जी ई इज़ ऑक्युपाइड एट अ टेम्परेचर टी मतलब किसी भी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन के फिल करने के चांसेस जो है उसकी प्रॉबेबलिटी जो है उसे हम कहेंगे फर्मी फंक्शन एंड इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला यफ ऑफ ई इज़ इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ ई माइनस ई एफ अपॉन केबिली हेयर एफ ऑफ ई हेयर एफ ऑफ ई इज अ फर्मी फंक्शन ई इज एनर्जी ऑफ द लेवल्स हुई कंसिडर्ड एंड ई एफ इज फर्मी लेवल के बी इज वर्ट्समैन कॉन्स्टेंट एंड दिस टी इज एट जीरो डिग्री केलविन वी कंसिडर दिस फर्मी एनर्जी एंड फर्मी लेवल एट जीरो डिग्री केलवीन सो तो उसके बाद हमने देखा ये जो फर्मी लेवल है तो हम अगर उसके बाद का एनर्जी लेवल कंसिडर करेंगे जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस एनर्जी लेवल इज ऑल्सो जीरो सो वी हैव फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ फर्मी फंक्शन सो वी हैव दिस फार्मूला सो इन दिस फार्मूला वी हैव एक्सपोनेंशियल ऑफ ई माइनस सी एफ अपॉन केवी टी हेर हियर टी इज जीरो सो एक्सपोनेंशियल ऑफ जीरो एंड वी गेट द प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ पी इज वी गेट प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ ई इज़ जीरो फॉर ई ग्रेटर देन ई एफ एंड एट टी इज इक्वल टू जीरो केलविन मतलब एंड इफ यू कंसिडर दिस एनर्जी लेवल तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की एनर प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑलमोस्ट वन ही होगी सो वी ऑल्सो फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी बाई यूजिंग फर्मी फंक्शन फार्मूला एंड वी गेट प्रोबेबिलिटी वन सो वी गेट प्रोबेबिलिटी वन So, this is all about Fermi level, Fermi energy, and Fermi function. I hope you have understood something new from this video. If so, make sure to subscribe to my channel. Thank you.